कलेक्टर भास्कर लश्कर ने बुधवार को शाम नगरपालिका में दफ्तर में अचानक पहुंचकर वहां पर रिकॉर्ड को खंगालना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने सीएमओ एवं इंजीनियरों को निर्देश देते हुए कहा कि पिछले 2 सालों में जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं उन्हें उनके टेबल पर भेजा जाए। उन्होंने कहा कि मैं एक बार घटिया सड़क का निर्माण बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन कागजों में बनी हुई सड़क को कतई न छोड़ूंगा। कलेक्टर ने सीवर प्रोजेक्ट को काम को 7 दिन के भीतर शुरू करने के निर्देश भी दे डाले। साथ ही साथ पेयजल संकट को देखते हुए शहर में निजी बोरों का अधिग्रहण करने के आदेश भी दिए। इस दौरान जब निरीक्षण कर रहे थे तो नगरपालिका परिषद के कमरों में लगी नेताओं की फोटो भी हटवा दी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों को अलग अलग बात भी की और उनकी लापरवाही पर उनको फटकार भी लगाई। वहीं उन्होंने पीएम आवास बनाने वाले ठेकेदार को हिदायत दी कि दिवाली से पहले सभी लोगों को आवास मिल जाने चाहिए, जिस पर ठेकेदार ने पेमेंट न होने की बात कही। इसी बीच सीएमओ संजय श्रीवास्तव ने बताया कि ठेकेदार को तकरीबन 4.5 करोड़ का पेमेंट अभी कुछ समय पूर्व ही किया है। वहीं जब कलेक्टर ने ऑडिट की फाइलों को पलटा तो उसमें पाया कि जनभागीदारी, जिला पंचायत एवं कर्मकार मंडल के लाखों का बजट यूं ही पड़ा हुआ है, जिस पर पिछले वर्षों में कोई काम नहीं हुआ। अभी क्या है, इसमें वापस चल रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, टेंटेटिव डेट क्या है, ऐसा तो अभी चल रही है। सर तू जा रहा है कल? समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के साथ ही साथ नगर पालिका का के निर्माण कार्य और पेयजल इत्यादि की भी समीक्षा करनी थी। उसी संबंध में आया था सर, क्या क्या यहाँ अभी इसमें एक तो सबसे पहला हमारे लिए चैलेंज पेयजल का है। आवश्यकता के अनुसार निजी नलकूपों का अधिग्रहण का मैंने निर्देश दिया है। दूसरा, यदि कोई नए नलकूपों का खनन करवाना है तो उसके लिए भी नगर पालिका प्रस्ताव देगी, तो वो भी करवाए जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन के लिए यथासंभव हम लोग कोशिश करेंगे कि नगर पालिका को अलग से गैर ना करना पड़े, जो भी सीमित क्षमताएँ हैं उन्हीं के अंतर्गत ट्रांसपोर्टेशन करवाएँ। प्रधानमंत्री आवास योजना के जो कार्य हैं उनको समय सीमा में पूर्ण करने के लिए निर्देश दिया है, वो एक हमारे लिए महत्वपूर्ण कार्य होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि दीपावली के पूर्व तक प्रधानमंत्री आवास योजना में लोग शिफ्ट हो सकें। सर, जल संकट में क्या प्रयास? जल संकट में यही प्रयास किया जा रहा है कि जो ट्यूबवेल हमारे पास में अभी काम कर रहे हैं उन ट्यूबवेल में यदि और मोटर की आवश्यकता है या फिर उनको और गहरीकरण कराने की आवश्यकता है तो वो करवाएं। यदि कुछ नए ट्यूबवेल करवाए जाने हैं तो वो करें। साथ ही साथ में निजी ऐसे नलकूप जिनमें पानी पर्याप्त मात्रा में है उनका हम अधिग्रहण नियमानुसार कर रहे हैं।